शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोलो रे, क्या देखा था तुम लोगों ने? हाँ बताओ इनको। अरे बोलो, आप लोग बताते क्यों नहीं? अरे बताओ इन लोगों को, अरे बताओ कि तुम लोगों ने रणवीर को देखा मेरा घर चलाते हुए, बताओ। मैंने देखा था, मैंने इस मर्दूद रणवीर को सरजू के घर को आग लगवाते देखा था दरोगा जी। अरे देखा तो इन सब ने भी था, मगर ठाकुरों की डर और जुल्म के मारे इन सब के मुंह को लकवा मार गया है। खामोश नमक हराम, ये झूठ बोल रही है दरोगा साहब। इसके बयान पे आप ध्यान मत देना, ये तो पागल पगली है, बावली है, अपना भला बुरा नहीं सोच सकती। बातों शर्म करो। बात तो ये है कि कल रात को ये अपने घर से निकली ही नहीं थी। ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात मानिए। अरे चल, अरे चल, मैं कहता हूँ। मैंने देखा, आप इसकी बात ध्यान मत देना। किसी ने आग लगवाया था दरोगा जी? सूरज, तेरा कोई और गवाह है? है, है दरोगा जी, चाचा हरिहरन। तो जा, हरिहरन को लेके आ। नानी, चाचा हरिहरन कहाँ है? वो यहाँ गवाही देने के लिए आया। हरिहरन अब कभी नहीं आएगा बेटा। क्यों नानी, क्यों? झूठ वो बोल नहीं सकता था और सच यहाँ बोलने नहीं दिया जाता। मार डाला उसे जुल्म के ठेकेदारों ने, मार डाला। ऑल द बेस्ट, शुक्रिया। ए सुरेश, नहीं बेटे, नहीं। इस बेचारे का घर जल गया है। ऐसी हालत में कोई भी आदमी अपने होशो हवास खो सकता है। बेटे सूरज, हिम्मत से काम लो। चलो बेटे। अपनी बहन की चूड़ियां टूटने का तमाशा तो देख ही चुके थे, अब अपने बाप की इज्जत को हथियारिन अंबा के पैरे तले पिटता भी देखा है। शाबाश मेरे वीर, शाबाश। मुझे तेरी ये सुनी मांग की सौगंध है, मैं अंबा की हस्ती को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। रणवीर, अंबा को इतनी आसान मौत मत मारो। उसने सारे गांव के सामने हमारा सर नीचा किया है, उसे तिल तिल करके मारना है। अंबा को तिल तिल करके मारना है। Thank you.
दरोगा जी, ये क्या तमाशा है? दरोगा जी, मैंने इस हरामखोर को सबके सामने मेरी हवेली में रंगे हाथों आग लगवाते पकड़ा है। आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए और इस शैतान को हवालात में बंद कीजिए। हाँ हाँ दरोगा जी, इस बदमाश को भी हवालात में डालिए। सूरज, रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह 10 बजे तुम सब चश्मदीद गवाहों को लेकर यहाँ आ जाओ। मैं उनका बयान लेकर कानूनी कार्रवाई करूंगा। घबराओ मत सूरज, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। चलो। ये आपने क्या किया छोटे ठाकुर? इन नमक हरामों की इतनी जरूरत कि मेरे बेटे की मुश्किल बांध कर उसे थाने ले जाएं? एक एक के घर में आग लगा दूंगा। ठाकुर साहब, कल तक के लिए मैंने कानूनी कार्रवाई टाल दी है, लेकिन कल अगर सब चश्मदीद गवाहों ने गवाही दे दी तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। गवाहों की तुम चिंता मत करो दरोगा, हम सबका मुंह बंद कर देंगे। लेकिन हरिहरन का मुंह कैसे बंद करेंगे? वो भी आया था, कल वो भी गवाही देगा। वो गवाही नहीं देगा, हरिहरन कल गवाही नहीं देगा। बुड्ढे, अगर तूने जबान खोली तो मैं तेरी जबान काट कर गांव के कुत्तों को खिला दूंगा। चलो। हाँ तो सूरज, कौन कौन है तुम्हारे चश्मदीद गवाह जिन्होंने कुंवर रणवीर सिंह को तुम्हारी हवेली में आग लगवाते हुए देखा? इन सब ने देखा दरोगा जी, ये नथू, ये हरिया, ये पांडे। बोलो रे, क्या देखा था तुम लोगों ने? हाँ बताओ इनको। अरे बोलो, आप लोग बताते क्यों नहीं? अरे बताओ इन लोगों को, अरे बताओ कि तुम लोगों ने रणवीर को देखा मेरा घर चलाते हुए? बताओ। मैंने देखा था, मैंने इस मर्दूद रणवीर को सरजू के घर को आग लगवाते देखा था दरोगा जी। अरे देखा तो इन सब ने भी था, मगर ठाकुरों के डर और जुल्म के मारे इन सब के मुंह को लकवा मार गया। अरे खामोश नमक हराम, ये झूठ बोल रही है दरोगा साहब, इसके बयान पे आप ध्यान मत देना, ये तो पागल पगली है, बावली है, अपना भला बुरा नहीं सोच सकती। बातों शर्म करो। ये है कि कल रात को ये अपने घर से निकली ही नहीं थी। ये झूठ बोल रही है। मेरी बात मानिए। अरे चल, अरे चल, मैं कहता हूँ दरोगा साहब, आप इसकी बात पे ध्यान मत देना। किसी ने आग लगवाया था दरोगा जी? सूरज, तेरा कोई और गवाह है? है दरोगा जी, चाचा हरिहरन। तो जा, हरिहरन को लेके आ। नानी, चाचा हरिहरन कहाँ है? वो यहाँ गवाही देने के लिए आया। हरिहरन अब कभी नहीं आएगा बेटा। क्यों नानी, क्यों? झूठ वो बोल नहीं सकता था और सच यहाँ बोलने नहीं दिया जाता। मार डाला उसे जुल्म के ठेकेदारों ने, मार डाला। ऑल द बेस्ट, शुक्रिया। ए सूरज, नहीं बेटे, नहीं, इस बेचारे का घर जल गया है। ऐसी हालत में कोई भी आदमी अपने होशो हवास खो सकता है। बेटे सूरज, हिम्मत से काम लो, चलो बेटे। ये सब क्या हो गया अम्मा? माँ जिससे ज्यादा प्यार करती है उसकी बड़ी कठिन परीक्षा लेती है, उसकी खेल निराले है, तू दिल छोटा न कर। माँ, छोटा मुंह बड़ी बात तो है, एक छोटी सी झोपड़ी है मेरी, तुम्हें कष्ट तो होगा, मेरे घर चल कर रहा हूँ। मैं माँ दुर्गा के चरणों में बैठी हूँ, इससे ज्यादा अच्छी और पवित्र जगह भला और कहाँ है? और फिर सरजू बना रहे हैं ना घर।
धीरे धीरे धीरे। बेटे तू यहाँ क्यों है? जा बेटे जा अपने घर जा। नहीं चाचा, मैं तुम्हारे साथ मिलकर अपना घर बनाऊंगा और तुम्हारे और दादी के साथ नहीं रहूंगा। और रणवीर आओ, बहुत दिन लगा दिए शहर में, कुछ बात बनी? बात कैसे न बनती पिताजी, आप हुकुम करें और वो काम न हो। ऐसा चमत्कार हुआ है कि अब अंबा की सारी जमीनों की मालकिन मेरी बहन प्रभा होगी। लेकिन कैसे रणवीर, अंबा की जमीनें तो सांझी हैं, उन पर सबका बराबरी का हक बनता है। बनता था कहो प्रभा, ये कानूनी शतरंज का खेल है। शह तुम दोगी, मात से अंबा को बचना होगा। बिला शक अंबा के खेतों पर उनके कुंबे के हर आदमी का बराबर का हिस्सा है, लेकिन अंबा के पति भानु प्रताप सिंह मरने से पहले अपने खेतों को अपने बड़े बेटे राजेंद्र सिंह के नाम कर गए थे, और जीजाजी के मरने के बाद उन खेतों पर अब कानूनी तौर पर तुम्हारा हक है। पर रणवीर, जहां तक मुझे मालूम है, अंबा के स्वर्गवासी पति ने तो ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी। उन्होंने नहीं की तो क्या हुआ, हमने करवा दी। ये रही स्वर्गीय भानु प्रताप सिंह की वसीयत। अब अंबा और सूरज इस वसीयत को झूठा या जाली साबित करते फिरे, कचहरी का मामला है, 10-20 साल लगना तो मामूली बात है। कब तक अंबा बेचारी तो जिएगी नहीं, और सूरज बूढ़ा हो जाएगा अदालत का फैसला सुनते सुनते। शाबाश रणवीर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। पर ये तुमने किया कैसे? दिमाग से। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा चाय का पानी, थोड़े से हरे नोट, बस स्वर्गीय भानु प्रताप सिंह की वसीयत तैयार। अब सिवाय उस बंजर जमीन के टुकड़े के जो अंबा के नाम पर है, बाकी की जमीन और फसलों को अंबा और सूरज छू तक नहीं सकते। पिताजी भूखे मरेंगे, माँ बेटा दोनों। माँ, क्या गजब गहरा के गन्ना होगा खेत में। आशीर्वाद दो, मैं कटाई करने जा रहा हूँ। सब माँ दुर्गा का आशीर्वाद है बेटा, उनके आगे माथा टेक। जय दुर्गा माँ।
खैरियत चाहता है तो खेत में पांव मत धरना। अबे ये खेत क्या तेरे बाप का है? तू होता कौन है मुझे मेरे ही खेत में जाने से रोकने वाला? तेरे ये खेत सिर्फ कल तक तेरे थे, आज से ये मेरी बहन प्रभा की मिल्कियत है। लगता है रणवीर आज तूने सुबह सुबह ही चढ़ा ली है। सर जाओ, जा मुन्ना घर जा, शराब पीकर घोड़सवारी नहीं करते, गिर जाएगा। चलो रे कटाई शुरू करो। अगर किसी ने भी फसल को हाथ लगाया तो वो वही ढेर कर दिया जाएगा। रणवीर ने किया, पूछ लीजिए इन सब से। ये चंडाल मुझे मेरी फसल काटने नहीं दे रहा, पूरी फौज लेकर आया मेरी फसल को हजम करने के लिए। हवालात में बंद इसे कीजिए आप। अबे ओ, हवालात में जाए इनके दुश्मन। कुंवर रणवीर जो कर रहे हैं कानूनी तौर पर ठीक ही कर रहे हैं। अब इन खेतों पर और फसलों पर तेरा कोई हक नहीं है। हाँ कभी दरोगा छोटे मार डालेगा लौटा। मुनीम जी क्या कह रहे हैं दरोगा जी, हमारे ही खेतों और फसलों पर हमारा अधिकार क्यों नहीं है? माँ जी, ये सारे खेत और उनकी फसल आपके स्वर्गवासी पति ठाकुर भानु प्रताप सिंह अपनी वसीयत में अपने बड़े लड़के राजेंद्र सिंह के नाम लिख गए थे। राजा के गुजर जाने के बाद इन सब पर उनकी विधवा श्रीमती प्रभा देवी का हक बनता है। ये सरासर झूठ है, जालसाजी है, धोखा है। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी, तब तक ये खेत और फसल अदालत के कब्जे में रहेंगे। गा दो सरकारी ऐलान। की जमीन को क्या कानून जोतने आया था? क्या अदालत ने बीज बोया था इसमें? क्या प्रभा ने एक बूंद भी पानी पिलाया था हमारी प्यासी फसलों को? ले चलो इसे थाने। नहीं नहीं दरोगा जी। अच्छा माँ, मैं ऐसे कानून को आग लगा दूंगा जो सच्चाई का गला घोटता है। ये कानूनी लुटेरे हैं, डाकू हैं। तो कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून से बड़ा है। दरोगा जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, सूरज को माफ कर दो। ये नाता नहीं, सरफिरा है, उज्जर है, ये फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। इसे माफ कर दो दरोगा जी। आपके कहने पे छोड़ता हूँ माँ जी, चलो। सरजू, सरजू। अपने बेटे से कहो कि आपे में रहे और उसे ये भी अच्छी तरह से समझा दो कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया करते। इससे पहले कि पाप का घड़ा भर जाए, संभल जाओ रणवीर, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।
नानी तुम यहाँ कैसे? बिटिया तुम बड़े लोग हो, ठाकुर साहब से कहने की मेरी हिम्मत नहीं, लेकिन तुम औरत हो, मेरी बात सुनोगी और समझोगी भी। मैं कुछ समझी नहीं। बिटिया अंबा और सूरज बहुत दुखी है, उनकी दशा देखी नहीं जाती। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उन्हें क्षमा कर दो बिटिया, उन्हें क्षमा कर दो। नानी तुम्हारी उम्र के लिहाज के मारे मैंने तुम्हारी बात सुन ली। अंबा और सरजू अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं, ये तो शुरुआत है उनके बुरे दिनों की। अभी तो तुम देखती जाओ, पेट भरने के लिए भीख मांगेंगे दोनों माँ बेटा।